सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आप देख रहे हैं आपका प्रेम वाजपेयी टू टिफ्टी आवाज़ में। आपको बता दें कि ये घाघरा और शारदा नदी की तस्वीर है, जहां पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र इलाके में गंगा और घाघरा और शारदा हमेशा अपना कहर बरपाती है। और इस वक्त बाढ़ का आगाज हो चुका है मानसून का, वहीं पर धीरे धीरे घाघरा और शारदा के नदियों में आहिस्ता आहिस्ता जल स्तर में बढ़ोतरी होती जा रही है। वहीं पर प्रभावित स्थानीय गार्गीपुरवा, नया निर्मलपुरवा और जैतिया, मरेली, श्यामनगर, ठेकेदारपुरवा, अन्य काफ़ी गांवों के लोगों का कहना है कि धीरे धीरे जल स्तर बढ़ता जा रहा है। हालांकि बाढ़ जैसे अभी हालात कोई नहीं है, अभी भी सूखे टीले बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं नदी में। पानी का जल स्तर काफ़ी अपने हाथ में है, लेकिन निचले स्तर तक बढ़ोतरी होने के कारण उनको भरपाई करता जा रहा है। और इसी तरीके से अगर बढ़ता रहा पहाड़ों की बारिश से जो जलस्तर बढ़ रहा है घाघरा और शारदा का, तो वो दिन दूर नहीं होगा जब ये जल स्तर अभी काफ़ी दूर दिखाई दे रहा है और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र गाँव के करीब पाशिनपुरवा, मरली, दुर्गापुरवा, कटेला और वहीं पर श्यामनगर, शंबारी नगर और श्रीरामपुरवा आदि गांव के करीब में पहुंच जाएगा। लेकिन अभी बाढ़ जैसे कोई हालात नहीं है। वहीं पर स्थानीय लोगों को कहना है, प्रभावित क्षेत्रीय गांव के बाशिंदों का, कि जो बाढ़ में बांध तट का कार्य चल रहा था वो काफ़ी ठप पड़ा हुआ है। कैसे बचेगा लोगों का जीवन, कैसे बचेंगे गाँव जो अभी से कार्य में सुस्ती है, बिल्कुल पूरी तरीके से सुस्त पड़ा हुआ है। आप जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़े हुए हैं। कुछ तस्वीरें कैद की गई हैं, आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से।